इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आप अगर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये आपके लिए वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने HDFC बैंक के जितने भी चार्जेस वगैरह लगते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दिया है। दोस्तों, आपको नहीं पता कि हिडन चार्जेस क्या होते हैं तो इन चार्जेस के अंदर आप फंस सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए, आपको पूरा पता लग जाएगा कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कितने चार्जेस यहाँ पे होते हैं। तो सारी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ धर्मराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, ये सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस होते हैं और बैंक की तरफ से ये चार्जेस होते हैं, ये कॉमन चार्जेस होते हैं। बट ये किसी बैंक में ज्यादा चार्जेस होते हैं तो किसी बैंक में कम चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैश एडवांस चार्जेस के बारे में। दोस्तों, HDFC बैंक के आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसमें आपको कैश लिमिट 1000 रुपए की दी जाती है, यानी कि कैश एडवांस लिमिट है वो आपको 40% की मिलती है। जो आपको टोटल लिमिट क्रेडिट कार्ड पे मिलती है उस पे 40% की लिमिट मिलती है। बट अगर इस लिमिट को आप कैश एडवांस को आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपसे 2.5% का चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है, जो मिनिमम आपको 500 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इनमें दोनों में से जो भी हायर होगा वो चार्जेस आपके ऊपर लगाया जाएगा, यानी कि या तो आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा। अगर 2.5% के हिसाब में अगर कम आ रहा है तो आपको मिनिमम है वो 500 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। अब बात करते हैं ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपको एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट से आप कोई भी ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो या फिर 1000 रुपए का, आप जैसे ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके ऊपर 2.5% का चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाएगा, या फिर मिनिमम आपको 550 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाएगा। इन दोनों चार्जेस में से जो भी हायर होगा वो चार्जेस आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड को है लिमिट से ज्यादा का कभी यूज नहीं करना, नहीं तो ये चार्जेस है आपको लगेगा। अब बात करते हैं पेमेंट रिटर्न चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आप जो पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड का वो या तो ऑटो डेबिट में कर रहे हैं या फिर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कि किसी रीजन से, हो सकता है आपके ऑटो डेबिट हो और आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं था इसकी वजह से वो फेल हो गया हो, या आपने कोई चेक से पेमेंट कर रहे हैं उस चेक में कोई मिस्टेक की वजह से वो फेल हो गया हो, तो इस सिचुएशन में HDFC बैंक की तरफ से आपका जितने भी वैल्यू का जो चेक था या फिर ऑटो डेबिट था उस पर 2% का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा, या फिर आपको 450 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो चार्जेस आपके ऊपर लगाया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अब बात करते हैं कैश पेमेंट चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो HDFC की ब्रांच में जाके कैश में बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का आपको चार्जेस देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन का। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है ऑनलाइन तरीके से ही करें। बहुत सारे तरीके हैं आजकल ऑनलाइन करने के, चाहे आप UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है क्रेडिट वगैरह, इनसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट आप कैश में बिल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आपके पास किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट इस फीचर को आप यूज करेंगे तो आप जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे या तो 1% का आपको चार्जेस देना होगा या फिर आपको कम से कम 250 रुपीज यानी कि 250 रुपए का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप अपने हिसाब से सोच समझ के करिए, क्योंकि इस पे भी आपको चार्जेस काफी ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको 2 तरह के लोन भी दिए जाते हैं, यानी कि एक आपको जुम्बो लोन दिया जाता है, दूसरा आपको इंस्टा लोन दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टा लोन क्या है और जुम्बो लोन क्या है। दोस्तों, इंस्टा लोन वो है जो आपकी क्रेडिट लिमिट के ऊपर आपको दिया जाता है, यानी कि जितनी आपकी लिमिट है उसमें से आपको एक लोन दे दिया जाएगा, वो लिमिट है वो आपके क्रेडिट कार्ड से कम हो जाएगी और जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा है जुम्बो लोन। ये जुम्बो लोन क्या होता है, ये बैंक जैसे आपको क्रेडिट कार्ड देता है उसी तरह से आपको एक अलग से लोन दिया जाता है, ये भी क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे होता है बट ये अलग से लोन दिया जाता है। बट ये दोनों ही तरह के लोन को आप लेते हैं तो यहाँ पे बैंक की तरफ से आपको 999 की
प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, यानी कि आपको 999 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाएगी। बट ये कई बार क्या होता है, बैंक की तरफ से एक ऑफर भी चलता रहता है कि ये प्रोसेसिंग फी है ये आपके लिए जीरो भी हो सकती है। तो ये बैंक डिपेंड करता है कि ये प्रोसेसिंग फीस जीरो या फिर आपको 999 की फीस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको स्मार्ट EMI की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि स्मार्ट EMI यानी कि कोई भी आप बड़े ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उसकी बड़ी आसानी से EMI आप करवा सकते हैं। बट इस फीचर को आप अगर यूज करते हैं EMI को, तो यहाँ पे आपको 799 रुपीज का प्रोसेसिंग फी है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 15% से लेकर 20% तक का आपको EMI पे चार्ज भी यानी कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी बड़े ट्रांजेक्शन की EMI वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 799 रुपीज की जो प्रोसेसिंग फी है वो लगेगी। उसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% से लेकर 20% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा। इसके अलावा आप अगर किसी भी EMI या फिर लोन को आप बीच में अगर क्लोज करवाना चाहते हैं यानी कि क्लोजर करवाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपसे HDFC बैंक 3% का चार्जेस है वो लिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी EMI वगैरह चल रहा है उसको कंप्लीट होने दें। अगर आप बीच में उसको ब्रेक करवाना चाहते हैं यानी कि बंद करवाना चाहते हैं तो आपसे 3% का चार्जेस है और ले लिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पेमेंट है वो 100 रुपीज तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। बट 100 रुपीज से लेके 50,000 रुपए तक का लेट पेमेंट चार्जेस होता है तो आपको कम से कम है वो आपको 100 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो चार्जेस है वो आपको 1100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 50,000 से ऊपर का बिल पेमेंट अगर लेट हो रहा है तो फिर आपको 1300 रुपीज का चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो समय पे करें। ये तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं बट इसके अलावा भी आपको इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो भी काफी हाई यहाँ पे लगता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो आप समय पे करना चाहिए। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 to 50 days का टाइम आपको इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है यानी कि बिल पेमेंट करने के लिए, यानी कि 30 days तो आपको बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का मिल जाता है और 20 days है वो आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है बिल पेमेंट करने के लिए। तो टोटल मिला के आपको 50 days का टाइम यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको ग्रेस पीरियड है वो 2 to 3 दिन का और मिलता है, बट इसका मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। वो ये सोच के चलते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट है बस वहां तक ही लास्ट पेमेंट करना है, उसके बाद चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट के बाद भी अगर 2 दिन लेट पेमेंट आप करते हैं तो उस पर भी किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता है, एज एन ग्रेस पीरियड इसको भी माना जाता है। बट ये जब भी आप ड्यू डेट के 2 दिन बाद अगर पेमेंट कर रहे हैं यानी कि 2 दिन के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन एक बार आपको कस्टमर केयर को जरूर बताना होगा कि हाँ इस कारण से हम पेमेंट नहीं कर पाए, इसके वजह से लेट हो गया है, तो उस पर भी आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता है। फ्यूल सरचार्ज की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे भी फ्यूल सरचार्ज वगैरह लगते हैं, बट ये कुछ केस में आपको वेवर भी मिलता है, जैसे आपको कार्ड के वेरियंट पे डिपेंड करता है। कुछ कार्ड पे ये 250 रुपीज एवरी स्टेटमेंट साइकिल में वेवर मिलता है, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिन पे आपको 500 रुपीज का एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में वेवर मिल जाता है, और कुछ क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक के ऐसे भी है जहाँ पे 1000 एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल पे वेवर मिल जाता है। बट इन वेवर ऑफ के बाद आपको है वो चार्जेस फ्यूल सरचार्ज जो भी होगा वो आपको लगेगा। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का डुप्लीकेट फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप मंगवाते हैं तो आपको पर स्टेटमेंट का 10 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको क्रेडिट कार्ड का जो भी स्टेटमेंट होता है वो आपको मेल आईडी पे मिल जाता है, बट आप फिजिकल डुप्लीकेट अगर मंगवाना चाहते हैं तो पर स्टेटमेंट का 10 रुपीज का चार्जेस है वो आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप रेलवे की वेबसाइट पे यूज करोगे या फिर मोबाइल ऐप पे यूज करोगे तो यहाँ पे आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि रेलवे टिकट आप परचेस करते हैं रेलवे की वेबसाइट IRCTC के थ्रू तो आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज है वो देना पड़ेगा, साथ में जो भी GST होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रख के यूज करना। इसके अलावा आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड को रीइश्यू करवाते हैं यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड है कहीं गुम हो गया या फिर डैमेज हो जाता है तो आप रीइश्यू कार्ड को करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 100 रुपीज का चार्जेस वो देना पड़ेगा। तो अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह से संभाल के रखिए, नहीं तो ये 100 रुपीज का चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो अगर चेक से कर रहे हैं और जो चेक आप दे रहे हैं वो अगर आउट स्टेशन का है तो आप अगर 5000 रुपए का चेक दे रहे हैं तो आपको 25 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा 5000 रुपए से ज्यादा का आप कोई चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा।
तो ये चेक से पेमेंट करने पे भी आपको ये चार्जेस लगेगा। तो कोशिश करें हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो ऑनलाइन करने की कोशिश करें। इसके अलावा फॉरेक्स करेंसी ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, तो दोस्तों ये भी आपके कार्ड के वेरियंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक मिनिमम आपको 2% से लेके 3.5% तक का फॉरेक्स ट्रांजेक्शन पे आपको चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो ये आपको चार्जेस यहाँ पे देना होगा, जो कम से कम 2% भी हो सकता है और ये 3.5% भी हो सकता है। ये आपके क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। HDFC क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो दोस्तों HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.6% पर मंथ आपसे चार्जेस है वो लिया जाएगा, जो 43.2% पर एनम है वो चार्जेस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, इनकेस आप डिफॉल्ट होते हो तो आपके ऊपर ये हाई इंटरेस्ट के साथ ये चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये चार्जेस काफी हाई होता है, 3.6% पर मंथ ये काफी हाई हो जाता है और 43.2% पर एनम ये काफी हाई चार्जेस यहाँ पे रखा गया है क्रेडिट कार्ड पे। इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को जब भी आप रिडीम करेंगे तब आपसे 99 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो आपके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जितने भी रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं वो लगभग आपको 2500 के अबव होगा तब भी आप रिडीम करा पाएंगे, वैसे तो होते नहीं है, बट जब भी आप रिडीम कराऊंगे तब आपको 99 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस यहाँ पे बताए हैं इन सभी पे आपको अलग से GST भी लगेगा, यानी कि 18% का GST भी होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करना। तो बस यही था HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस। वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि हम जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।